अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस कराची में अगर फेमस फिश खाने की जगह है तो वो है हसन स्क्वायर फिश स्ट्रीट, जहां पर अकरम फिश पॉइंट बहुत ज्यादा मशहूर है और यहां की क्रिस्पी फिश खाने के लिए लोग बहुत ही दूर दूर से आते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको यहां की बहुत ही ज्यादा लजीज तैयार की जाने वाली क्रिस्पी फिश फ्राई की रेसिपी को सिखाते हैं। तो चले इस बहुत ही जबरदस्त किस्म की रेसिपी को हम सीखते हैं। तो गाइस आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करना है। आज हम हमारे पास भाई आए हैं मछली की रेसिपी मालूम करने के लिए। वैसे तो मछली की रेसिपी बहुत ही क्वांटिटी में बनाते हैं, लेकिन भाई की फरमाइश के ऊपर इस मछली को हमने क्वांटिटी को थोड़ा कम करके बता रहे हैं, क्योंकि घर के अंदर लोग क्वांटिटी में मछली कम बनाते हैं, इसलिए हम ये क्वांटिटी के लिए मछली की कम क्वांटिटी के हिसाब से रेसिपी लेकर आए हैं भाई के कहने पर। ये हमने इसके अंदर तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड किया है। ये हमने इसके अंदर तकरीबन 1 कप मैदा ऐड किया है और कॉर्नफ्लोर तकरीबन 2 चम्मच। इसके साथ हमने 1 चम्मच या 2 चम्मच ले लें जीरा रखा और अजवाइन का पाउडर रखा 2 चम्मच। इसके बाद हमने लहसुन ऐड किया इसके अंदर तकरीबन 1.5 चम्मच और इसके बाद हमने ये फूड कलर है ये हमने इसमें डाला है तकरीबन 3 चम्मच। ठीक है, अब ये कुटी मिर्च आई जाती है ये हमने इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच डाला है। चम्मच छोटा है ना, इसलिए ये हमने हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रखा हुआ है, ये भी हमने 2 चम्मच डाल देना है। ये अदरक लहसुन का पाउडर है ये हमने तकरीबन इसके अंदर 3 चम्मच ये डाला है। ठीक है सर, अभी इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये कम क्वांटिटी में इसलिए लगाया कि लोग घरों में इतनी ज़्यादा मछली नहीं बनाते। ये लेमन जूस और इसके अंदर अभी लेमन जूस डलेगा, नमक डलेगा, लेकिन इसको पहले हमने अच्छी तरीके से हल कर लेना है। ये हल हो चुका है, ये अब इसके अंदर तकरीबन ये हमने लेमन जूस डाल दिया है और हसबे जाएगा इसमें हमने नमक डाल दिया है, ये हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब ये इसके अंदर हमने मछली के अंदर फूड कलर लगाना है, फूड कलर ये पहले से इसलिए लगा देंगे क्योंकि इसमें मछली में चमक आ जाती है फूड कलर से। ये हमने फूड कलर लगाया है, ये है रेड स्नेपर जिसमें ये फूड कलर लगाया गया है और ये मुश्का मछली जो कि मशहूर कहलाती है, ये इसमें भी हमने फूड कलर लगा दिया है क्योंकि हल होने के बाद फूड कलर में वो बात नहीं आती, ये हमने फूड कलर इस पर लगा दिया है। ठीक है सर, अभी हमने इसके अंदर डिप कर लेनी है। ये हमने डिप कर कर इसे 10 से 15 मिनट यहाँ रखनी है फ्राई से 10 मिनट तकरीबन आप इसको रखेंगे। रेड स्नेपर है, एक मुश्का है, ये हमने मसाला अभी से 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। Thank you.
मेरे पास आ जाना है।